Oh <laughs> my नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप साहब मैं आपका अपना अमरजोत हंस आपका हंस मुजगा चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं तो आज मैं आपके लिए 101 मेड इन इंग्लैंड का बना हुआ ग्रामोफोन प्लेयर लेकर आया हूं जो कि बहुत ही प्यारी कंडीशन में है एंड वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे भाई हंस मुजगा चैनल के ऊपर नया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सबसे बड़ी बात बेलाइकन को दबाना मत ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू नया लाइक करू आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो दोस्तों आज मैं आपको इसके फीचर्स बताने वाला हूं वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना एंड प्राइस जिस मेरे भाई को चाहिए वाला तो आप मुझे कॉल करके इसको ऑर्डर में डाल सकते हो एंड वीडियो को शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं आज का नया प्लेयर जो कि एक मॉडल नंबर एक एक मेड इन इंग्लैंड का बना हुआ तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं ग्रामोफोन प्लेयर तो दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं मॉडल नंबर एक सौ एक मेड इन इंग्लैंड का बना हुआ ग्रामोफोन तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर से देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बहुत ही प्यारी कंडीशन में आप आगे से पीछे से इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में पड़ा है आज के टाइम में चाबी वाला प्रे एक सौ एक नंबर मॉडल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड कंडीशन अगर आप अंदर से अभी आपको दिखाने वाला हूँ आप चेक करना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कंडीशन कैसा लगा तो अभी सबसे पहले बाहर की बात कर लेते हैं इसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं है सॉरी बाहर तो एक यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट दिया जाता है जहाँ पर आपको नीडल रख सकते हो इस ग्रामोफोन का सुई जिसको बोलते हैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला तो ये आप, आप बाहर ही रख सकते हो जहाँ पर ठीक है तो ये इस तरीके से अंदर गोल घूमता है तो ये अंदर चला जाता है तो कंडीशन पे आप देखिए कंडीशन आपको किस तरह का लगा तो अभी इसको करते हैं ओपन एंड ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं एक जादू का पीस जो आज हमारे पास बहुत दिनों के बाद ऐसा प्लेयर बहुत मुश्किल से हाथ लगता है तो अभी इसको करते हैं ओपन एंड आपको दिखाते हैं इसका कंडीशन तो इसको ऊपर उठाओगे अपने आप ये लॉक लग जाता है यहाँ पर इसका लॉक है अपने आप लग जाता है ठीक है तो अभी इसके अंदर आपको दो फंक्शन मिलने वाले हैं और इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है जो मेरे भाई पुराने हैं जो ओल्ड मेरे से ज़्यादा बड़े एज है तो उनको तो इसके बारे में नॉलेज है कि ये कैसे चलता है क्या करता है और किस तरीके से इसको प्ले करना है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्पीड की तो इसके ऊपर आपको स्पीड दी जाती है जहाँ पर आप इसको आगे पीछे करके आपको थोड़ा स्लो में सुनना है आपको थोड़ा फास्ट सुनना है तो यहाँ पर आप इसकी स्पीड चेकिंग कर सकते हो ठीक है उसके बाद ये ऐसे घूमता है तो ये रहे इसके ब्रेक तो ये इसमें ब्रेक मिल जाते हैं और इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है ये आपको दो फंक्शन ही मिलते हैं ब्रेक एंड स्पीड तो स्पीड यहाँ पर आपको मेंशन किया जाता है स्लो एंड फास्ट और इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसका पिकअप जो पिकअप ओरिजिनल होता है वो हैवी होगा एंड इस तरह का उसका लुक बन के आएगा अभी आपको दिखाता हूँ तो इस तरीके का आपको लुक बन के आएगा ये आपको दिख रहा होगा पिकअप ठीक है ये मेड इन इंग्लैंड का बना हुआ है यहाँ पर आपको एच का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा लोगो मिल जाता है एंड ये लोगो आपको इंग्लैंड के पीस में ही देखने को मिलेगा अगर आप इंडियन में ढूंढोगे वो आपको नहीं मिलेगा एंड इसकी कंडीशन चेक करिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है पीका बिल्कुल ब्रांड ब्रैंड अभी आपको थोड़ा सा नजदीक से मैं दिखा देता हूँ एक बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको स्पीड मिलती है फास्ट एंड स्लो ठीक है इस तरीके से आप इसको फास्ट एंड स्लो कर सकते हो अभी इसको हम सेंटर में रखेंगे यहाँ पर ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रेक ये रहा ब्रेक एंड ये इसका देखिए कितना प्यारा एंड क्लीन कंडीशन में है ठीक है यहाँ पर रिकॉर्ड लगता है एंड इसके पिकअप की अगर हम इसकी ये इसको हम पंजाबी में कूनी बोल देते हैं ठीक है तो ये इसका जो पिकअप है ना ये अभी आपको दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर आपको एच एम बी का लोगो मिल जाता है एंड बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है पिकअप भी एंड ये ओरिजिनल पिकअप है यहाँ पर आपको एच एम बी का लोगो मिल रहा होगा देखने के लिए ठीक है एंड मशीन के ऊपर लिखा होता है जहाँ पर इसका मोटर होता है ना यहाँ पर इसके नीचे तो वहाँ पर आपको मॉडल नंबर 101 एंड मेड इन इंग्लैंड लिखा मिल जाएगा एंड उसके बाद ब्रेक एंड स्पीड ये तो हो ही गया एंड यहाँ पर ये पिकअप आके लग जाता है ताकि इधर उधर ना हिले एंड ऊपर की तरफ आपको एच एम बी का लोगो मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको एच का लोगो मिल जाता है एंड उसके बाद ये रही इसकी की तो इस साइड इसका की लग जाता है जो इसको घुमाने के लिए ये यहाँ पर टिक जाता है अभी आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ तो ये इसका छोटा सा की है बहुत ही प्यारा ये सारा कुछ अंदर ही फिट हो जाता है इस मशीन के एंड ये इसका की है ठीक है और ये लगता कहाँ पर है ये आपको ये भी दिखा देता हूँ अभी इस साइड आपको एक दिया जाता है होल ठीक है आपको इसके अंदर इस की को डालना है एंड अच्छे से इसका सेटिंग कर लेना है उसके बाद अगर यहाँ तक पूरा अंदर चला जाएगा और जहाँ तक पूरा अंदर चला जाएगा उसके बाद इसको ऐसे घुमा देना है ठीक है घुमा के जब चाबी देना बंद हो जाए हार्ड हो जाए तो वहाँ पर आपको रोक देना है क्योंकि तब के टाइम चाबी फुल हो जाती है ठीक है उसको बाहर निकालना है रिकॉर्ड रखना है एंड इसको प्ले करना है एंड सबसे बड़ी बात ये जो नीडल होती है इसकी सुई ये एक रिकॉर्ड ही चलाती है चला तो दूसरा भी देगी पर ये साउंड क्वालिटी नहीं बना के देगा क्योंकि ये जितना तीखा होगा उतना ही अच्छा साउंड क्वालिटी बन के आएगा पिकअप से तो उतना ही अच्छा साउंड निकलेगा ठीक है दोस्तों एंड आपको कंडीशन आपको दिखा दूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है अगर कोई भी मेरा भाई इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे सेवन एट वन फोर टू ट्रिपल फाइव एट सिक्स पे कॉल करके इसको ऑर्डर कर सकते हो एंड अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ एंड आप बताना कि आपको ये आज का वीडियो कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर लता जी का बहुत ही प्यारा एक अठहत्तर आर वाला रिकॉर्ड रख दिया है जो कि लाख का बना होता था ठीक है और इन लोग कुछ लोग इसको पत्थर का भी बोल देते थे तो अभी हम इसकी चाबी देते हैं एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है तो अभी चाबी लग चुकी है अभी इसको घुमाते हैं एंड आपको सुनाते हैं इसका साउंड क्वालिटी और फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा अभी आप ये देखिए अभी घूमना शुरू हो गया अभी मैंने चाबी दिया एंड अभी ये घूमना शुरू हो चुका है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लाइक करना कमेंट करना एंड जो मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका तह दिल से धन्यवाद एंड जो मेरे भाई हेटर हैं उनका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया कि आप फिर भी किसी बहाने आप मेरा वीडियो देखते हो कमेंट करते हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ गलत भी बोलते हो तो इसका मतलब है कि हमारे में कुछ बात है ठीक है तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद कल एक नई वीडियो के साथ आपके पास फिर आएंगे शुक्रिया